खोया प्यार वापस पाने के उपाय। दोस्तों, प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे आज कोई हर कोई महसूस करना चाहता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा सब जिसे सभी प्यार करते हैं। प्यार एक ऐसी भावना है दोस्तों जिसे सभी महसूस करना चाहते हैं। एक ऐसी सच्चाई है जिसे सब पाना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान की झोली अगर प्यार से भरी हो तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल सकता है। लेकिन वही प्यार जब व्यक्ति से रूठ जाता है या उसे दूर चला जाता है तो मानो बहारों का मौसम भी पतझड़ नजर आने लगता है। ऐसे में दोस्तों उसकी जिंदगी मानो बोझ बन जाती है, वह जीवन से निराश हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो घबराए नहीं, जिंदगी को दोस्तों बोझ न बनने दें। हम दोस्तों आपके लिए ऐसे उपाय, टोटके, तरीके लेकर आए हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने खोए हुए प्यार को फिर से अपनी जिंदगी में वापस पा सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में प्यार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, इसमें हमें कई तरह के रिश्तों को निभाना पड़ता है, जिसमें कि दोस्तों युवा लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं और उनमें प्यार भी होता है। इसलिए दोस्तों, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर लड़ाइयाँ भी जरूर होती है। इसलिए उनके रिश्ते में कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए दूरी बन जाती है, जिसकी वजह से वह साथ नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वह लोग अपने प्यार को दोबारा से पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर आपका प्यार आपके पास नहीं है तो उसे वापस कैसे पाएं, उसे वापस अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, किन तरीकों से आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। आप दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे माध्यम से पा सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, उनसे बात करना शुरू करते हैं। अगर आप दोस्तों अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको बात करने शुरू कर देनी है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि वह एक बार में ना करें, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, कोई मौका तलाशना है कि वह आपसे बात करे। उनसे बात करके उनकी कमी के बारे में उन्हें बताएं। जब वह आपसे बात करने लगे तो आपको भी उनसे ठीक तरह से बात करनी है और पूरा टाइम देना है और उन्हें एहसास दिलाना है कि आप उनके बिना कितने अधूरे हैं। उनकी लाइफ में उनकी कमी को महत्व देना है, जिसे कब हो सकता है उनके बाप भी बड़े, लेकिन आप इसे भी तय कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ दोबारा पैचअप करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, उनके ऊपर एहसान न जताएं। जब हमारा रिलेशनशिप दोबारा से हो जाता है तो उसके बाद हमें उनके ऊपर एहसान नहीं जताना चाहिए कि आप उनके लिए क्या हो। बस चुपचाप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो बोलने से आपके बीच में दोबारा से दूरी आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका प्यार भी आपसे दूर चला गया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में जो बताए गए टिप्स को फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आप उपाय टोटके मंत्रा चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, जो नंबर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है दोस्तों, या वीडियो के लास्ट में जो दिखेगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।